आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि सॉरी बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो चीज़ हम आप इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। जब हमसे कई बार गलती हो जाती है और हम सॉरी कह देते हैं सामने वाले इंसान को, पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको सॉरी वर्ड से नफरत होती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं टोटली। सॉरी न कह के कुछ दूसरे तरीके से माफ़ी मांगी जाए, गलती तो होती है और उसकी माफ़ी भी मांगी जाती है भाई, बहुत ज़रूरी है। सॉरी की जगह हम दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और वो तरीके हम इस वीडियो में जानेंगे, आखिर तक वीडियो देखिए। पहला तरीका है, हम सॉरी की जगह फॉरगिव मी कह सकते हैं। फॉरगिव मी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फॉरगिव मी इसका हिंदी में मतलब होता है माफ़ कीजिए, हिंदी में मतलब माफ़ कीजिए। हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, आई अपोलोजाइज। हम क्लियरली कह सकते हैं सामने वाले से सॉरी की जगह आई अपोलोजाइज, इसका हिंदी में मतलब होता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और देख लेते हैं तरीका, क्या तरीका होता है, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाउ स्टूपिड ऑफ मी इसका हिंदी में मतलब होता है मैंने बेवकूफ़ी की है, इसके लिए मुझे माफ़ किया जाए, मैंने बेवकूफ़ी की है, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। अगला तरीका है, सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट, सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट, माफ़ कीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, सबसे पसंदीदा सेंटेंस है, सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट। तो ये कुछ तरीके थे जो कि सॉरी न कह के हम इन तरीकों से माफ़ी मांग सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो आपने सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।